अब आ जाओ मेन टॉपिक। 11.1 में आपने पढ़ा था सॉल्यूशन ऑफ राइट ट्रायंगल, कि अगर आपके पास राइट ट्रायंगल आ रहा है आपने उसको सॉल्व कैसे करना है। हम साइन कॉस टेंजेंट यूज कर लिया करते थे, लेकिन अगर आपके पास राइट ट्रायंगल नहीं है, आपके पास एक ऑब्लिक ट्रायंगल। ऑब्लिक ट्रायंगल कल भी बताया था, ऐसा ट्रायंगल होता है कि जिसके अंदर कोई भी एंगल 90 डिग्री का ना हो। इन अदर वर्ड्स, ऐसा ट्रायंगल जो राइट एंगल ना हो, राइट ट्रायंगल ना हो, तो बाकी जितने भी ट्रायंगल होते हैं उनको आप ऑब्लिक ट्रायंगल बोलते हैं। फिर ऑब्लिक के अंदर कैटेगरी आ जाती है। ऑब्लिक के अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल भी आ जाएंगे जिनकी तीनों साइड इक्वल है। ऑब्लिक के अंदर आइसोसेलेस भी आ जाएंगे जिनकी दो साइड इक्वल है। ऑब्लिक के अंदर स्केलिनी भी आ जाएंगे, मैंने पहली क्लास में बताए थे सारे, कि जिनकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है। तो रेंडम ऑब्लिक ट्राइंगल क्या होते हैं कि जिनके अंदर कोई भी एंगल 90 डिग्री का ना हो, या तो 90 डिग्री से बड़ा हो या 90 डिग्री से छोटे एंगल हो, आप उनको ऑब्लिक भी होते हो। तो वंस अगर आपके पास कोई ऑब्लिक ट्राइंगल आ जाए तो अब आप साइन कॉस टेंजेंट यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके फॉर्मूले में परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज आता है जो कि टोटली रिलेटेड है राइट ट्रायंगल से रिलेटेड। तो अब आपको नई टेक्निक चाहिए। नई टेक्निक हमने कल सीखी थी तीन लॉ से, लॉ ऑफ साइन, कोसाइन, टेंजेंट। लॉ ऑफ साइन और कोसाइन ये मेन है आपके। लॉ ऑफ टेंजेंट आप उसी वक्त यूज करोगे जब आपको बोलेंगे, वरना लॉ ऑफ टेंजेंट कोई इतना खास लॉ नहीं है जिसके जरिए से आप मतलब कोई ट्रायंगल को सॉल्व करो। और ट्रायंगल को सॉल्व वही करना है, आपको तीन चीजें गिवन होंगी जो मैंने आप लोगों को पहली क्लास में बताया था। ट्राइंगल के अंदर टोटल छह चीजें होती हैं, तीन साइड लेंथ और तीन एंगल। कोई भी तीन आपको वो दे देंगे। अब तीन की पॉसिबिलिटी क्या बनेगी कि आपको दो साइड दे दें और एक एंगल, आपको दो एंगल दे दें और एक साइड, या आपको तीन साइड दे दें और आपको बाकी तीन एंगल निकालने होंगे। चौथी पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर आपको तीन एंगल दे दें और आप बाकी तीन साइड निकालो। ये मैंने पहले भी बताया था, तीन एंगल से आप ट्राइंगल एक्यूरेटली नहीं निकाल सकते। तो बस तीन ही पॉसिबिलिटी है, एक एंगल दो साइड, दो एंगल एक साइड और तीन साइड। ये तीन किस्म की पॉसिबिलिटी आपको गिवन होंगी और बाकी तीन चीजें आपको इन सवालों में मालूम करने को बोला जाएगा। ठीक है? अच्छा, तो ये जो मैं आपको प्रोसेस बताने लगा हूँ ना अभी, ये आपने उस वक्त इंप्लीमेंट करना है जब आपको बोला जाए कि इसको सॉल्व करो। जिस तरह आपका दिल चाह रहा है इस ट्रायंगल को सॉल्व करो, तो आपने मेथड यूज करना है। अगर आपको रिस्ट्रिक्ट कर दें कि लॉ ऑफ साइन ही यूज करना है, तो फिर वही करना पड़ेगा। ठीक है? ये मैं इंस्ट्रक्शन आपको क्यों दे रहा हूँ, थोड़ी देर बाद बताता हूँ। एक जनरल इंस्ट्रक्शन अपने पास ले लो, एमसीक्यूज में सवाल आ जाए, पेपर में सवाल आ जाए और आपको बोला जाए ट्राइंगल को सॉल्व करना है, तो वही तीन केसेस बनेंगे। अब इन तीनों केसेस में आपने कौन सा लॉ यूज करना है, याद रखो। सबसे पहला केस है, हेडिंग है सॉल्यूशन ऑफ ऑब्लिक ट्राइंगल। सबसे पहला केस है कि बच्चों आपको तीन साइड दे दी जाए ट्राइंगल की, तीन साइड दे दें आपको और बाकी तीन चीजें आपको निकालनी हो, मतलब तीनों एंगल निकालने हो। तो यहां पे आप लोगों ने यूज करना है लॉ ऑफ कोसाइन। कैसे यूज करना है वो भी सवाल आएंगे तो खुद ही यूज हो जाएगा। तो लॉ ऑफ कोसाइन यूज करके आपने तीनों एंगल निकालने, आपको कोई और लॉ यूज करने की जरूरत नहीं। कोसाइन आपकी हेल्प करके तीनों चीजें आपको निकाल के दे देगा। दूसरी पॉसिबिलिटी, क्या आपको कोई भी दो साइड दे दे और एक एंगल दे दे, अब भी क्या यूज करना है, लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन से आप बाकी की एक साइड और बाकी के दो एंगल आसानी से निकाल सकते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपको दो एंगल दे रहे हैं और एक साइड दे रहे हैं, अब आप यहां पे क्या यूज करोगे, लॉ ऑफ साइन। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, ये मैं इंस्ट्रक्शन आपको क्यों दे रहा हूं, वजह थोड़ी देर में क्लियर करता हूं। ऐसा भी हो सकता है कोई ट्राइंगल सॉल्व करने का सवाल आया, उसमें आप कहीं लॉ ऑफ साइन यूज कर लो, कहीं लॉ ऑफ कोसाइन यूज कर लो। जरूरी नहीं कि इस पूरे सवाल में आपने हर दफा लॉग कोसाइन ही यूज करना है। ऐसे सवाल भी हैं कि एक चीज जो है वो आपने लॉग कोसाइन से निकाल ली और दूसरी चीज आपने लॉग साइन से निकाल ली, अलाउड है आपको। मैं क्यों रोक रहा हूं आपको, मैं क्यों कह रहा हूं कि इस वाले केस में तीन दफा लॉग कोसाइन लगाओ, इस वाले केस में तीन दफा लॉग कोसाइन लगाओ, इस वाले केस में तीन दफा लॉग साइन लगाओ, मैं क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं आपको? वो वजह क्या है, वो बुक में उन्होंने मेंशन नहीं की, लेकिन मसले है उसके। इस वाली बुक में तो शायद मैंने देखा नहीं है इतना डिटेल में, पुरानी वाली बुक में मसले थे, डिस्कस नहीं किया हुआ उन्होंने, लेकिन मसला है। वो टॉपिक जो है ना उसका नाम ही काफी मुश्किल है। उस टॉपिक को आप बोलते हो जो मैं आप लोगों को फिलहाल आज की क्लास में इतना डिटेल में बता नहीं रहा, बाद में भी शायद ना बताऊं, लेकिन अगर मौका मिला तो शायद थोड़ा आइडिया दे दूं आपको। ये कहलाता है एम्बिगुअस केस ऑफ लॉ ऑफ साइन, एम्बिगुअस केस ऑफ लॉ ऑफ साइन। ये एम्बिगुअस केस क्या होता है, सबसे पहले तो एक टर्मिनोलॉजी आप लोग समझ लो, ये जो दूसरा केस है ना ये खतरनाक होता है। दूसरे केस की दो पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। दूसरा केस आपने क्या पढ़ा है यहाँ पे, कि जब आपको दो साइड पता हो और एक एंगल पता हो, इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी बनती है, जरा देखना दोनों में फर्क क्या है। मैं एक सिचुएशन बना रहा हूँ, जरा ऑब्जर्व करना।
ये कंसीडर कर लो, एक ट्राइंगल है जिसकी ये वाली साइड आपको पता है, मैं इसको ये कह सकता हूं कि नोन, ये साइड आपको पता है, ठीक है, इसी तरह ये वाली साइड पता है, इसका मतलब ट्राइंगल की दो साइड आपको पता है और आपको ये एंगल पता है, तो पॉसिबिलिटी बन गई ना, दो साइड और एक एंगल आपको पता है। अब मैं एक और बनाता हूं, इस तरीके से आप कंसीडर कर लो, इस ट्राइंगल में आपको ये वाली साइड पता है, इस ट्राइंगल में आपको ये वाली साइड पता है और आपको ये एंगल पता है। जो नॉर्मल स्टूडेंट है ना मैथ का, वो उसको तो लगेगा यार कि ये दोनों सेम ही पॉसिबिलिटी है, कि दोनों ट्राइंगल में, अगर इस ट्राइंगल को पूरा करना चाहते हो तो कर लो, पूरा कोई इशू नहीं, ये राइट ट्राइंगल नहीं बनाना मैंने भाई, तो दिखने में शायद लाइट लग रहा हो आप लोगों को, राइट नहीं है, कोई और ट्राइंगल कोई भी बन सकता है। दो पॉसिबिलिटी मैंने लिखी है दोनों जगह पे, कि यार दो साइड और एक एंगल पता है, इसमें भी और इसमें भी, इसमें फर्क किसी को नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा, मैं पूछता हूँ शायद किसी को पता चल जाए, क्या कोई फर्क नजर आ रहा है इन दोनों में? बजाय तो एक ही लग रहे हैं कि दो साइड एक एंगल, लेकिन कोई फर्क, सर एंगल चेंज है। सर एंगल चेंज को आप अच्छे तरीके से बता सकती हो, एंगल चेंज वो हमारा अल्फा है फर्स्ट वाली और सेकंड वाली गेम है। नहीं, नाम छोड़ दो, अल्फा गैमा तो डिपेंड करेगा ना, जो मैं वर्टिसेस को नाम दूंगा वो तो इतना नहीं मसला, लेकिन चलो आपने तकरीबन बात सही ऑब्जर्व की यहाँ पे। असल इसकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है, असल टर्मिनोलॉजी होती है कि ये वाला जो एंगल है ना, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, जो दो साइड आपको पता है ना उनके दरमियान का एंगल, इसको हम कहते हैं इंक्लूडेड एंगल। मुझे ये दो साइड पता है और इन दोनों साइड के दरमियान का जो एंगल है वो मुझे पता है, इसको हम कहेंगे इंक्लूडेड एंगल, सही। जबकि इस वाले अगर आप केस में देखो तो आपको इंक्लूडेड एंगल नहीं पता, आपको ये साइड पता है, आपको ये पता है, इनका इंक्लूडेड एंगल नहीं पता आपको। आपको कौन सा एंगल पता है, जो किसी एक साइड के अपोजिट है, ये वाला एंगल इस वाली साइड के अपोजिट है, इनके दरमियान का एंगल नहीं आपको पता, आपको किसी एक साइड के अपोजिट जो एंगल है वो पता है। आप इसको यहाँ पे बना सकते हो, इसको अगर उठा के आप यहाँ पे बना दो तब भी ये सेम ही केस बनेगा, क्यों? आपको इन दोनों साइड के दरमियान का एंगल ये नहीं पता, आपको इस वाली साइड के अपोजिट जो एंगल है ना वो पता है। तो अगर आप देखो बताए, ये दोनों केसेस सेम ही है कि दो साइड और एक एंगल, लेकिन फर्क क्या है, पहले वाले केस में आपको इंक्लूडेड एंगल पता है और दूसरे वाले केस में आपको अपोजिट एंगल पता है, तो इस माइन्यूटली से फर्क से आपके पास ये चीज आती है, जिसको आप कहते हो एम्बिगस केस, ये वाला। अगर ये वाला केस आ जाए आपको कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे लॉ ऑफ साइन यूज कर लो, लॉ ऑफ कोसाइन यूज कर लो, लॉ ऑफ टेंजेंट यूज कर लो, कोई तकलीफ नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब ये वाला केस आता है तब मसला पैदा होता है, ठीक है? तो दैट्स वाई मैं अपने स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ कि इस वाले केस के अंदर आप लॉ ऑफ साइन यूज ना करो, क्योंकि लॉ ऑफ साइन के मसले होंगे, अगर आप यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइन यूज करोगे तो आपको मसला नहीं होगा। आप स्टूडेंट कहेगा यार क्या सर बात बोल रहे हैं कि मसला होगा मसला नहीं होगा, अभी बात मैं आपको डिटेल में जाना चाह नहीं रहा, अगर मुझे मौका मिला तो मैं कल इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दूंगा, ये मेरा टॉपिक यूट्यूब पे समझाया हुआ है, क्योंकि यूट्यूब पे कोई कोर्स नहीं मैं पढ़ा रहा होता, अपने हिसाब से मैं चल रहा होता हूँ, अभी मेरे पास थोड़े टाइम लिमिट है, दूसरा आप लोग जब लाइव पढ़ रहे होंगे तो चीजें एब्जॉर्व करने में थोड़ा मसला होगा, ये टॉपिक इतना हल्का नहीं है, कोई पाकिस्तानी टीचर आपको नहीं मिलेगा, मेरी नजर में कोई भी नहीं है, एटलीस्ट सिंध बोर्ड लेवल पे जिसने बात समझाएगी, कोई भी इस चीज को हाथ नहीं डालता, ये मुश्किल टॉपिक है, ये एम्बिगुअस केस ऑफ लॉ ऑफ साइन। गूगल पे भी जब आप ढूंढोगे तो आपको स्कैटर्ड फॉर्म में मिलेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, मैंने लेक्चर नंबर 180 लेक्चर नंबर 181 फर्स्ट ईयर के अंदर इनको समझाया हुआ डिटेल में, लेकिन अभी फिलहाल मैं नहीं जाना चाह रहा, तो उसका मैंने हल क्या निकाला कि आप यहाँ पे लॉ ऑफ साइन यूज ही ना करो, आप क्या यूज कर लो, लॉ ऑफ कोसाइन। तो दो साइड एक एंगल के अंदर आप इन दोनों पॉसिबिलिटी में लॉ ऑफ कोसाइन यूज कर लो, लॉ ऑफ कोसाइन यूज करोगे कोई मसला नहीं होगा, लाइफ आपकी इजी हो जाएगी, लॉ ऑफ साइन यूज करोगे इस वाले केस के अंदर तो फंस जाओगे, तो दैट्स व्हाई मैंने जनरल इंस्ट्रक्शन। अच्छा, जरूरी नहीं कि हर सवाल में फंसोगे, कुछ सवाल ऐसे होंगे कि जिसमें बच जाओगे, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें नहीं बच पाओगे, उसकी मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आप लोगों को ना हल्का सा समझ आए कि सर बात क्या बोल रहे हैं, तो मैं एग्जाम्पल देता है कि कंसिडर कर लो एक ट्राइंगल है जिसमें आपको बोला जाए कि ए जो है वो, मैं सिचुएशन देता हूँ ये साइड है और ये साइड गिवन है, ठीक है, और आप इसको इस तरह समझो कि आपको दे दी जाए साइड, कंसीडर कर लो ये साइड जो है, मैं इसको नेमिंग देता हूँ, ये ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई, मैं फिलहाल इसको मिला नहीं रहा आपस में अभी, तो ए के सामने वाली साइड ये स्मॉल ए होगी, बी के सामने वाली साइड ये स्मॉल बी होगी, और इसको अभी छोड़ दो फिलहाल, कंसीडर कर लो अगर आपको ये चीजें गिवन हो। अब जरा गौर से समझना, आपको मैं साइड ए दे रहा हूँ, आपको मैं साइड बी दे रहा हूँ और आपको साइड में अल्फा दे रहा हूँ, अगर ऐसी सिचुएशन बनाओ कि जिसमें ए को मैं रखता हूँ टू
और बी को मैं रखता हूँ, एज्यूम कर लो बी को मैं 20 रखता हूँ, और अल्फा जो है कंसीडर कर लो मैं यहाँ पे 45 डिग्री रखता हूँ। आप इसको सॉल्व करके देख लो, कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा यहाँ पे, यहाँ पे ट्राइंगल ही नहीं बन रहा। सॉल्व करना तो छोड़ो, ट्राइंगल ही नहीं बन रहा यहाँ पे। आप इसको मैच ही नहीं कर सकते। ये जो एंगल मैंने बनाया ये ऑलमोस्ट 45 डिग्री है। जो साइड बी देखो वो ए के कंपैरिजन में कितनी बड़ी है, तो साइड बी बहुत बड़ी है और साइड ए कितनी छोटी सी है, तो आप इस ट्राइंगल को पूरा कर ही नहीं सकते। ये जो ए जो है बहुत छोटी साइड है, मिल ही नहीं सकती। तो दिखने में आपको ये तीन चीजें लग रही है लेकिन ये ट्राइंगल बना ही नहीं रही। तो दैट्स व्हाई जब आपको ये वाला डाटा गिवन, अब अगर आप ऑब्जर्व करो ये वाला केस है, आपको ए गिवन है, आपको बी गिवन है और आपको ए के सामने वाला एंगल अल्फा गिवन है, आपको इंक्लूडेड एंगल नहीं गिवन है। इस वाले केस में बताया कोई इशू नहीं होता। मसला होता है इस वाले केस में कि जब आपको इंक्लूडेड एंगल ना गिवन हो, तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी बनती है, या तो ट्राइंगल ही नहीं बन रहा, या दो ट्राइंगल बन रहे हैं, या एक ट्राइंगल बन रहा है। दैट्स व्हाई इसको बोला जाता है एम्बिगुअस केस ऑफ लॉग साइन। तो अगर आप यहाँ पे लॉग कोसाइन यूज करोगे ना, तो वो आपको एग्जैक्ट बता देगा कि यार इसमें कौन सा वाला केस है। अगर एक ट्राइंगल बन रहा होगा तो वो आपको बताएगा एक ट्राइंगल बन रहा है, अगर दो बन रहे होंगे वो आपको बताएगा दो बन रहे हैं, अगर कोई नहीं बता रहा होगा तो वो आपको बता देगा कोई भी नहीं बन रहा। वो वैल्यूज देख के आप पता चल जाएगा, लेकिन लॉग साइन में मसला हो जाएगा थोड़ा। दैट्स व्हाई इसको बोला जाता है एम्बिगुअस होता है जिसमें शक व शुबहात हो, जिसमें आपको थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगा के आंसर निकालना पड़ता है। दैट्स व्हाई मैंने हल्का बताया लॉग कोसाइन यूज करोगे सेकंड वाले केस में। अब आखिरी बात, कुछ ऐसे सवाल है जिसमें आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे ना, आपको सवाल में बोला जाएगा लॉग साइन ही यूज करना है, ठीक है। तो जब आपको लॉग साइन ही यूज करना है तो उस वाले सवाल में हम लॉग साइन यूज कर लेंगे। मैंने पहले बताया था हर सवाल में ये नहीं होगा कि इस वाले केस में आपको मसला होगा, कुछ ही सवाल ऐसे होते हैं जिसमें एम्बिग्युटी आती है, वरना हर सवाल में नहीं आती। जो बुक में उन्होंने क्वेश्चन लिखा हुआ उसमें कोई मसला नहीं है, हम लॉग साइन यूज कर लेंगे। पेपर में भी अगर आपके पास सवाल आएगा तो आपको मसला नहीं होगा। पेपर में जब देंगे तो रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, पेपर में जब देते हैं तो आपको बोलते हैं कि यार इसको सॉल्व करना है, आपकी मर्जी किसी भी लॉ से सॉल्व कर लें, ठीक है। तो पेपर में तो इशू होने वाला नहीं है आपको। पेपर से अगर उन्होंने रिस्ट्रिक्ट भी कर दिया तो बुक का क्वेश्चन ही देंगे, ऐसा कोई खतरनाक किस्म का क्वेश्चन नहीं आएगा। पुरानी बुक में ऐसे क्वेश्चन होते थे, उसमें मसला होता था, बच्चे मुझसे पूछते थे सर ये आंसर बुक का आ रहा है और हमारा वाला आंसर ये आ रहा है, अब बताएं फर्क क्या। वो फर्क यही था, तो दैट्स व्हाई मैं उनको फिर पूरा समझाता था। लेकिन आप लोगों को फिलहाल समझने की जरूरत नहीं है, मेरी नजर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं गुजरा आपकी बुक में जिसपे इशू आ रहा। इन फ्यूचर अगर मुझे टाइम मिला कल की क्लास में, या कभी मौका मिला, तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा कि क्या होता है क्या नहीं मसला है इसके अंदर। लेकिन अभी के लिए बस इंस्ट्रक्शन मैंने आपको दे दी है थोड़ी बहुत, कि किस केस में आपने कौन सा लॉ ऑफ कोसाइन साइन यूज करना है। सब टेंजेंट हम यूज नहीं करते, टेंजेंट मजबूरी में अगर वो बोलेंगे तो हम कर लेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। मसला वही है कि असल में आप लोग अगर 8-9 महीने से पढ़ रहे होते ना, तो यार मैं तुम लोगों को सही तरीके से जो मैथ होती ना वो और भी समझा देता। लेकिन मसला वही है कि हमारा बच्चा जो है बिल्कुल एंड पे आता है जब सर पे पढ़ रही होती है। मैंने जब अगस्त में स्टार्ट किया था, सितंबर में कोई बच्चा नहीं था, दो बच्चे थे, मैंने उनको बोला यार क्या मैं पढ़ाऊँ आप, तो बाद में आना। दिसंबर में स्टार्ट किया, 3-4-5 बच्चे थे। जनवरी में फिर बाकी 5-7 और आ गए। हमारा बच्चा भी इतना लेट आता है, क्या टीचर करें। 11.2 पे आ जाओ। 11.2 में सबसे पहले लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन। डिस्ट्रिक्ट आपको किया लॉ ऑफ साइन यूज करना है। पेपर में नॉर्मली ऐसा होगा नहीं, अगर होगा भी तो कर लेना लॉ ऑफ साइन, मसला नहीं होगा इतना। तो पार्ट नंबर 1 आप देखो, तो पार्ट नंबर 1 में दो साइड और एक एंगल गिवन है, और पार्ट नंबर 2 में और पार्ट नंबर 3 में आपको दो एंगल और एक साइड गिवन है। जरा देख लेते हैं क्या करना है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 करवाते हैं। अच्छा देखो सवाल बहुत ज्यादा है ये, तो मैं कोशिश करूंगा मैं पूरा सवाल शायद ना करवाऊँ, थोड़ा बहुत करवा के उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन दे दूंगी इसके आगे आपने इस तरीके से करना। गिवन आपको क्या है, ए गिवन है 70। अब इन्होंने देखो यूनिट गिवन नहीं किया हुआ, अब 70 सेंटीमीटर है क्या है छोड़ो, और अल्फा आपको गिवन है 39। अगर आप देखो ये वही केस है जिसमें दो साइड और इंक्लूडेड एंगल गिवन नहीं है, ए के सामने वाला एंगल आपको गिवन है अल्फा, लेकिन लॉग साइड आपने यूज करना है। इंशाल्लाह इस वाले सवाल में आपको मसला नहीं होगा, देख लेते हैं। आपको रिमेनिंग क्या निकालनी है, एक तो तीसरी साइड निकालनी है सी, और बाकी दो एंगल निकालने बीटा और गामा। अब यूज आपको लॉ ऑफ साइन ही करना है। लॉ ऑफ साइन अगर आप देखो तो लॉ ऑफ साइन की मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाई थी कल, वो बड़ी सी स्टेटमेंट थी, साइन अल्फा अपॉन ए, साइन बीटा अपॉन बी, साइन गामा अपॉन सी। लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं करोगे, आप पेयर बना के यूज करोगे। तो अगर आप किसी भी एक पेयर को पकड़ोगे ना, वहां पे आपको दो एंगल और दो साइड मिलेंगे, जैसे साइन अल्फा अपॉन ए, साइन बीटा अपॉन बी, दो एंगल दो साइड। इसी तरह साइन बीटा अपॉन बी, साइन गामा अपॉन सी, अगेन दो साइड दो एंगल। तो लॉ ऑफ साइन आप उस वक्त यूज करोगे जब इनमें से तीन चीजें आपको पता हो, मतलब दो एंगल और एक साइड बिल्कुल अगर आपको पता है तो आप फिर निकाल सकते हो,
मतलब इन चार जो आप लॉ ऑफ साइन बनाते हो ना आपस में चार चीजें आती हैं, उनमें से तीन पता होगी तो चौथी निकाल पाओगे आप। तो जरा यहाँ पे हम देखते हैं, आपको ए पता है, आपको बी पता है, इनके सामने वाले एंगल आपको पता है। ए के सामने वाला एंगल क्या होता है अल्फा, बी के सामने वाला क्या होता है बीटा। देखो आपको ए पता है, बी पता है, अल्फा पता है, तीन चीजें पता है ना, बीटा आप निकाल सकते हैं। तो हम कौन सा लॉ ऑफ साइन यूज करेंगे, हम साइन लॉ यूज करेंगे ये वाला, कि साइन अल्फा अपॉन ए साइन बीटा अपॉन बी। कंसीडर कर लो अगर यहाँ पे गैमा गिवन होता तो आप ये वाला यूज नहीं कर सकते। क्यों? अगर यहाँ पे आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, आपको ए पता है, बी पता है और आपको गैमा पता है, आप कौन सा लॉ ऑफ साइन यहाँ पे यूज करोगे? तीन किस्म के लॉ ऑफ साइन है, मैं तीनों लिख देता हूँ, साइन अल्फा अपॉन ए साइन गैमा अपॉन सी, अच्छा साइन बीटा अपॉन बी साइन गैमा अपॉन सी, ये तीन किस्म के। अब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, अगर ये वाला केस गिवन होता, आपको ए पता, बी पता होता और गैमा आपको पता होता, तो आप लॉ ऑफ साइन यूज नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? जरा ऑब्जर्व करो, आप अगर ये वाला यूज करते हैं तो आप फंस जाते हैं। क्यों? दो अननोन हो जाते हैं यहाँ पे, आपको ए पता है, बी पता है, ना आपको अल्फा पता है, ना आपको बीटा पता है, आपको तो गैमा पता था, तो आप ये वाला यूज नहीं कर सकते। अच्छा अगर आप इस पे आते हो, आपको गैमा पता है, आपको ए पता है, ना आपको अल्फा पता है, ना आपको सी पता है, फिर फंस जाओगे। आपको गैमा पता है, आपको बी पता है, ना आपको सी पता है, ना आपको बीटा पता है। तो दैट्स वाई जब दो साइड और एक एंगल गिवन हो तो जरूरी नहीं कि आप लॉ ऑफ साइन से सॉल्व कर सकते, आपको लॉ ऑफ कोसाइन यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन बुक ने जो केस आपको दिया है, और दो साइड एक एंगल वाला तो है लेकिन वहां पे आप यूज कर सकते हो, ये वाला केस है, क्योंकि इसमें उन्होंने क्या दिया हुआ है अल्फा। क्योंकि मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा अपना दिमाग खोल के बैठना पेपर में, कि अगर आपके पास दो साइड एक एंगल गिवन है तो जरूरी नहीं कि हर दफा आप लॉ ऑफ साइन से सॉल्व कर सको। दैट्स व्हाई मैंने आपको ईजीएल बताया था कि अगर आपको रिस्ट्रिक्ट ना करें तो इस वाले केस में हमेशा लॉ ऑफ कोसाइन ही यूज करना, बाकी मसला ही ना हो। और लॉ ऑफ साइन बस तीसरे वाले केस में यूज करना है जब दो एंगल और एक साइड, ठीक है? तो जरा इन बातों को जो मैंने बताई है अपने पास नोट कर लेना कि क्या क्या मैंने बातें बताई हुई है, तो इनशाला आसानी होगी। इस वाले केस में आप आसानी से यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं, आपके पास ए पता है, बी पता है, अल्फा पता है, आप बीटा निकाल सकते हैं। तो साइन बीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, बी को जाके मल्टीप्लाई करवा दो साइन अल्फा से अपॉन ए। अब वैल्यूज पुट करो, बी यहाँ पे क्या है 34, अल्फा है यहाँ पे 39 और ए है यहाँ पे 70। ये चीजें भाई आपकी कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से जो भी आंसर आ रहा होगा लिख लेना, फिर लिखना बीटा और कैलकुलेटर में ये चीज पुट करना साइन इनवर्स, जो भी चीज आ रही होगी जब आप इसको सॉल्व करोगे, मैंने कल भी बताया था, जो भी इसका आंसर आ रहा होगा ना वो कैलकुलेटर में इस बटन में सेव हो गया होगा, के एन एस के बटन में। तो जो भी आपके पास आंसर आ रहा होगा, सर, ठीक है, आप क्या बुक में करना, अल्फा 79 लिखा हुआ है। 79 ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आंसर आ रहा होगा ना, आप क्या करना, कैलकुलेटर में आंसर आने के बाद फॉरन साइन इनवर्स का बटन दबाना, मतलब शिफ्ट दबा के साइन का बटन दबाना, ये चीज आएगी। आप उसके बाद ए एन एस लिखना, क्योंकि जो वैल्यू आएगी ना वो आप राउंड ऑफ करके लिखोगे, उसके बाद दोबारा यहाँ पे लिखोगे, फिर उसको राउंड ऑफ करोगे तो एरर थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा। तो जो एक्यूरेटली यहाँ पे वैल्यू आई होगी ना, आप ए एन एस यहाँ पे लिखना, ठीक है, और आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बीटा। अब मेरे पास टाइम नहीं है, ये काम आप लोग का है, कैलकुलेटर सॉल्व कर लेना, आपके पास बीटा आ जाएगा। वंस आपके पास बीटा आ जाए, गैमा आसानी से निकाल सकते हो। क्या प्रॉपर्टी यूज करोगे, सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री होता है, आपको सवाल में अल्फा पता था, बीटा आपने निकाल लिया, गैमा आप आसानी से निकाल सकते हो सिचुएशन से। तो अगेन ये आप लोगों का काम है, यहाँ से आपके पास गैमा जो है वो भी आ जाएगा। तो आपका ट्राइंगल तकरीबन 66% सॉल्व हो गया, दो चीजें आपने निकाल ली। अब पीछे क्या बचता है, सी। अब आपकी मर्जी, आप इन दोनों में से कोई भी लॉ ऑफ साइन यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको बाकी पांचों चीजें पता है, ठीक है? अगर आप ये यूज करना चाह रहे हो तो देखो, आपको ए भी पता है, आपको अल्फा भी पता है, गैमा आपने निकाल लिया, आप यहाँ से सी निकाल सकते हो। आप ये वाला भी लॉ ऑफ साइन यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको बी भी पता है, आपको बीटा आपने निकाल लिया ऑलरेडी, आपने गैमा भी निकाल लिया है, आप सी आसानी से निकाल सकते हो। तो आपकी मर्जी, आप कोई भी लॉ ऑफ साइन यहाँ पे यूज कर सकते हो और वहां से आप सी निकाल लोगे। तो हम प्रेफर करते हैं, चलो पहला वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप लिखना बाई यूजिंग दिस लॉ ऑफ साइन, यहाँ से सी निकालेंगे तो सी का फॉर्मूला क्या होगा, सी को उधर ले जाओ, ए को उधर ले आओ, ठीक है, और अल्फा को नीचे ले जाते हैं। तो ये बेसिक सी बात देखिए ना, यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर देना, जो गैमा की आई थी, ए तो यहाँ पे है 70,
गैमा देख लेना क्या आया था, अल्फा यहाँ पे 79 है, तो यहाँ से आपके पास सी की वैल्यू आ, इस तरीके से आपका ट्राइंगल जो है वो सॉल्व हो जाएगा, बाकी तीनों चीजें आपके पास आ जाएंगी। अच्छा आप आ जाओ, जो बाकी दो केसेस गिवन है, बाकी कौन से दो केसेस गिवन है, पार्ट नंबर टू और पार्ट नंबर थ्री में आपको दो एंगल और एक साइड गिवन है, तो मैं पार्ट नंबर थ्री करवा देता हूँ आप लोगों को। पार्ट थ्री में लिखा हुआ है अल्फा, अब यहाँ पे जो एंगल है वो डिग्री और मिनट्स के अंदर है, 48 डिग्री 45 मिनट्स, बीटा है 69 डिग्री 15 मिनट्स, और सी है 40.5। ये डिग्री मिनट मैंने आप लोग को पहले ऑलरेडी बता दिए कि किस तरीके से आपने हैंडल करना होता है इनको, ये तो मसला नहीं होना चाहिए आप लोगों को इस लेवल पे। तो रिमेनिंग क्या बचा, यहाँ पे एक तो एंगल है जो आपको निकालना है, बाकी एक साइड ए है और एक साइड बी है, तो तीन अननोन जो है वो आपको यहाँ पे मालूम करना है। आ जाओ जरा सॉल्यूशन के ऊपर, सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल दो एंगल आपको गिवन है, तो सबसे पहले तो आपने आंखें बंद करके तीसरा एंगल निकालना है, आप यहाँ पे यूज करोगे सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 होता है, तो गैमा क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करना आपके पास गैमा आ जाएगा, एक अननोन तो आ गया आपके पास। फिर है ए, अब आपको कोई इशू नहीं है, आप ए आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन कौन सा लॉ ऑफ साइन यूज करोगे, तीन लॉ ऑफ साइन, अगर आप ऑब्जर्व करो लॉ ऑफ साइन में दो साइड और दो एंगल आते हैं, एंगल का तो मसला हल, तीनों एंगल आपको पता है तो एंगल का तो कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन जो दो साइड आती है ना उसमें से एक सी पता है आपको बस, तो आपने वो लॉ ऑफ साइन यूज करना है जिसमें सी आता हो, मतलब आपके पास इक्वेशन में दो अननोन हो जाएंगे, बिलफर्ज अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे ये वाला यूज करता है तो ना आपके पास ए है ना आपके पास बी है, तो आप फंस जाओगे यहाँ पे आगे, तो आप वो लॉ ऑफ साइन यूज करोगे जिसका आपको सी पहले पता है, मतलब वो लॉ ऑफ साइन जिसमें सी आता है, कि एक साइड आपको पता है, जो दूसरी साइड होगी वो आप आसानी से निकाल लोगे। अब दूसरी साइड कौन सी हो सकती है आपकी मर्जी, पहले आप ए निकालना चाह रहे हो या बी निकालना चाह रहे हो, अगर आप ए निकालना चाह रहे हो तो आप ये वाला लॉ ऑफ साइन यूज करना, ये साइन अल्फा अपॉन ए साइन गैमा अपॉन सी, देखो कॉम्बिनेशन वही होना चाहिए जो आपको ऑलरेडी पता हो, मैं यहाँ पे बीटा वाला यूज कर लूंगा मुझे बी नहीं पता होगा मैं फंस जाऊंगा फिर, तो ये इसमें देखने वाली चीज होती है कि आपने कौन सा लॉ ऑफ साइन यहाँ पे यूज करना है। अब आप ये निकाल सकते हो, अच्छा जब आपको साइड निकालनी होती है ना तो आप अपनी तरफ से इसको रेसिप्रोकल भी कर सकते हो, इस तरह लिख लो, आप इसको इस तरह लिखते हो कि ए अपॉन साइन अल्फा सी अपॉन साइन गामा, इसका फायदा ये होगा ए अपनी जगह पे है साइन अल्फा को बदल ले जाओ, ये सिचुएशन। तो बच्चों सी भी आपको पता है 40.5, आपको सवाल में अल्फा भी दे दिया था 48 डिग्री 45 मिनट, गैमा जो है वो ऑलरेडी आप लोगों ने निकाल लिया होगा, यहाँ से आपके पास बच्चों ए आ जाएगा। अब ये सब काम कैलकुलेटर के, अगर कहीं कैलकुलेशन में आप लोगों को मसला हो या आंसर मैच ना करो तो पूछ लेना, बस आपके पास ए आ जाए अब आपकी मर्जी है, आप बाकी दो जो लॉ ऑफ साइन है कोई भी यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा, ये वाला भी यूज करके बी निकाल सकते हो, या बी अपॉन साइन बीटा अपॉन सी अपॉन साइन गामा, ये वाला भी यूज कर सकते हो क्योंकि आपको सी भी पता है आपको ए भी पता है, तो बाकी कोई भी आप लॉ ऑफ साइन यूज कर सकते हो, ये वाला यूज करना चाहो तो ये नहीं यूज नहीं करना क्योंकि इसमें बी नहीं आ रहा, आप ये वाला यूज कर सकते हो या जो तीसरा वाला लॉ ऑफ साइन है वो यूज कर लो और आसानी से आप यहाँ पे बी निकाल सकते हो। मैं फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ कि आप यहाँ पे यूज कर लेना कि बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू ए अपॉन साइन अल्फा, ये यूज करना, ए भी पता है बीटा भी पता है अल्फा भी पता है, यहाँ से आपके पास बी आ जाएगा, इस तरीके से आपका ट्राइंगल जो है वो सॉल्व हो जाएगा, सही है। तो लॉ ऑफ साइन जो है ना बच्चों, या तो इस वाले केस में तो लॉ ऑफ साइन हमेशा लग सकता है कि जब दो एंगल एक साइड देगा, इस वाले केस में लॉ ऑफ साइन आपको देखना पड़ेगा, अगर इंक्लूडेड एंगल गिवन होगा तो लॉ ऑफ साइन नहीं लग सकेगा डायरेक्टली, अगर इंक्लूडेड एंगल नहीं है अपोजिट एंगल है तब आप लगा सकते हो लॉ ऑफ साइन, और जो तीसरा वाला केस होता है ना कि तीन साइड गिवन है वहां पे तो लॉ ऑफ साइन लग भी नहीं सकता, ठीक है। तो बाकी मैंने जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दी थी ना कि कब कब पेपर में, अभी एक सवाल आएगा बुक में भी है, तो इसमें आपको बोला हुआ है किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो, तो आपने वही इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है जो मैंने आपको लिखी है। जो दूसरा वाला सवाल है ना उसमें बोला हुआ है कि लॉग कोसाइन यूज करना है, लॉग कोसाइन सबसे इजी होता है, उसमें कोई झगड़ा नहीं होता कि यार किसको कब यूज करना है, वो बड़ा इजी होता है आसानी से यूज कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर टू के पार्ट वन में दो साइड एक एंगल, पार्ट नंबर टू में दो साइड एक एंगल, पार्ट नंबर थ्री में दो साइड एक एंगल, अच्छा
तीनों केसेस में जो इंक्लूडेड एंगल है वो आपको गिवन है, तीनों केसेस में। अगर इंक्लूडेड एंगल ना भी गिवन होता फिर भी आप लॉ ऑफ कॉस ऐसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे इस सवाल को मैं मिटा नहीं रहा अभी, मैं ये वाला हिस्सा मिटा रहा हूँ और मैं आप लोगों को फिर बताता हूँ कि इस सवाल को लॉ ऑफ कोसाइन से कैसे हम निकालते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लो, उसके बाद में आइडिया देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पार्ट कर लो, तीनों में सेम ही डेटा है तो पार्ट नंबर लेट्स से 2 देख लो। वैल्यू का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है, सेम ही डेटा गिवन है, दो साइड एक एंगल। यहाँ पे आपको ट्राइंगल बनाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे आप ट्राइंगल के बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं, तीसरी साइड नहीं आपको पता और आपको दो एंगल नहीं पता। लॉ ऑफ कोसाइन किस तरीके से आप यूज करोगे, खासतौर पे ये वाला केस जिसमें आपको दो साइड और एक एंगल पता हो, आप क्या करोगे? अगर आपको लॉ ऑफ कोसाइन याद हो, मैंने कल डिराइव करवाए थे, ए स्क्वायर इक्वल टू पूरा लॉ ऑफ कोसाइन था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू पूरा लॉ ऑफ कोसाइन था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू पूरा लॉ ऑफ कोसाइन था, और बाकी 3 भी मैंने करवाए थे जो आपने एंगल की फॉर्म में निकाले थे, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, वो आप उस वक्त यूज करोगे जब आपको एंगल मालूम करना होगा। अभी मुझे तीसरी साइड मालूम करनी है, तो शुरू वाले 3 फॉर्मूले थे वो आप यूज करोगे। तो इनको पहचानने का बड़ा अच्छा तरीका होता है, जिस 3 लॉ ऑफ कोसाइन थे ना जिसमें सी स्क्वायर आ रहा था वो वाला आप यूज कर लोगे, क्योंकि आपको क्या निकालना है, आपको सी निकालना है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, सी स्क्वायर ऊपर लिख देना बाय यूजिंग, चलो मैं लिख देता हूँ, आप लिख देना कि लॉ ऑफ कोसाइन यूज कर रहे हैं, कौन सा लॉ ऑफ कोसाइन, ये वाला सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। इसका फायदा ये होता है कि आपको दो साइड गिवन है और इनका इंक्लूडेड एंगल गिवन है गैमा, तो गैमा आप यहाँ यूज करोगे और सी आप आसानी से निकाल लोगे। तो लॉ ऑफ कोसाइन में कंफ्यूजन नहीं होती, जो साइड आपको निकालनी है वो वाला लॉ ऑफ कोसाइन आप यूज कर लो। ए का स्क्वायर ए यहाँ पे 48, 48 का स्क्वायर कर लेना, बी है यहाँ पे 33.33, इसका स्क्वायर कर लेना, फिर है 2ab, ए है 48, बी है 33.3 कॉस गैमा, गैमा यहाँ पे क्या है 41 डिग्री 30 मिनट। वैल्यूज पुट कर दी, बच्चों कैलकुलेटर में इस पूरी चीज को डालना, कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा, लेकिन जो आंसर आपके पास आएगा वो सी स्क्वायर का आएगा, लेफ्ट आंसर सी स्क्वायर है। सी का आंसर कैसे आएगा, जो भी आंसर आएगा आप कैलकुलेटर में ये पुट करना, कैलकुलेटर में रूट करना, सही है, रूट करने के बाद आप ए एन एस का बटन दबा देना, क्योंकि जो आपने आंसर निकाला होगा ना उसी का रूट लेना है आपको, तो डायरेक्ट आपके पास रूट आ जाएगा, तो आपको आसानी हो जाएगी। बेशक कॉपी में आप जो वैल्यू आपके पास आई होगी वो लिख लेना, लेकिन कैलकुलेटर में आप ए एन एस का बटन ही यूज करना, क्योंकि कॉपी में अगर आप राउंड ऑफ ना भी करो तो कोई गलती नहीं आपकी निकालेगा, लेकिन कैलकुलेटर में अगर आप इसको राउंड ऑफ नहीं करोगे और फिर डालोगे तो थोड़ा बहुत एरर बढ़ सकता है। मसला फिर भी कुछ नहीं होगा, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा, लेकिन अच्छा तरीका यह कि आप ये वाला बटन का फायदा उठा सकते हो। तो आप क्या करना, कैलकुलेटर में पुट करना और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सी स्क्वायर आया, आपने रूट लिया और आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, जो भी यहाँ पे वैल्यू आ रही थी वो यहाँ पे पुट कर देना, सही है, उसके बाद कैलकुलेटर से निकाल लेना। कैलकुलेटर में निकालने का तरीका मैंने बताया इसी तरीके से, तो सी तो आपके पास आ गया। अब रही बात अल्फा और बीटा की, अल्फा बीटा में अगेन वही जो मैंने 3 लॉ ऑफ कोसाइन बताए थे उसके बाद 3 और भी बताए थे, वो वाला आप यूज करोगे। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कॉस अल्फा यूज करना, क्या फॉर्मूला होता है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू, जब जितने भी 3 फॉर्मूले थे ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, उसमें ए बी सी आ रहा था, तो ए बी सी आपको पता चल गया आपके इशू में। कॉस अल्फा का फॉर्मूला था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। बच्चों हर चीज आपको यहाँ पे पता है, ए और बी तो सवाल में गिवन था, सी आपने यहाँ पे निकाल लिया, पूरी वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट करनी है, आपके पास कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, वही आपको अल्फा चाहिए, जो भी यहाँ पे आंसर आ रहा होगा उसका आप क्या करोगे, कॉस इनवर्स ले लोगे। तो जो भी आंसर आ रहा होगा यहाँ पे उसका आप क्या लेना, कॉस इनवर्स लेना, और यहाँ पे आपके पास बच्चों अल्फा आ जाएगा, ठीक है। वंस आपके पास अल्फा आ जाए तो बीटा निकालने के लिए आपको कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, वही जो आप हर दफा यूज करते हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वन, क्योंकि एक एंगल पहले गिवन था, एक आपने निकाल लिया तो तीसरा आसानी से निकाल सकते हैं। तो बीटा कैसे निकलेगा, 180 में से आप अल्फा और गामा को सबट्रैक्ट करना, आपके पास बीटा आ जाएगा। इस तरीके से आपकी जो तीसरी चीज थी वो भी आपको बता दी है, सही है। तो लॉ ऑफ कोसाइन आप कब यूज करोगे, जब आपको दो साइड और एक एंगल पता हो, ये प्रोसेस है यूज करने का। दो पॉसिबिलिटी, या तो इंक्लूडेड एंगल, देखो यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल था, ए और बी के दरमियान जो एंगल होता है वो गैमा होता है,
और यहाँ पे आप लॉ ऑफ कोसाइन कैसे यूज करोगे, इसको भी जरा हम देख लेते हैं कि यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल नहीं था, ए और बी का इंक्लूडेड एंगल क्या होता है गैमा, लेकिन यहाँ पे अल्फा नहीं था, लेकिन यहाँ पे भी आप लॉ ऑफ कोसाइन यूज कर सकते हो। ठीक है, पहले मुझे बताओ यहाँ तक वर्किंग समझ आ गई है? जो जितने पार्ट है ना, पार्ट वन और थ्री, उसको भी आपने सेम इसी प्रोसीजर से करना है कि पहले आप ये वाला यूज करोगे, फिर आप ये वाला यूज करना, ठीक है, और जो तीसरा एंगल निकालने के लिए आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज करना। अगर आपने यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइन यूज करने तो फर्क क्या पड़ेगा? देखो यहाँ पे आसानी होती थी कि अगर आप सी निकालते थे तो आपको गैमा मिलता था, मतलब गैमा आपके पास ऑलरेडी मौजूद था क्योंकि इंक्लूडेड एंगल वाला केस था, गैमा ऑलरेडी मौजूद था। लेकिन यहाँ पे अगर आप सी निकालोगे तो आपके पास गैमा मौजूद नहीं है, ये मतलब है। लेकिन लॉ ऑफ कोसाइन में कोई इशू नहीं है, आप क्या करोगे अगर ये सिचुएशन आ रही है कि आपको सी निकालना है लेकिन गैमा मौजूद नहीं है और आपको लॉ ऑफ कोसाइन यूज करना है, तो यहाँ पे सिंपल एक काम करना, ठीक है, वो वाला लॉ ऑफ कोसाइन यूज करना जिसमें अल्फा आता है। किसमें अल्फा आता है मैं बता देता हूँ, ऐसा कौन सा लॉ ऑफ कोसाइन था जिसमें अल्फा आ रहा था, याद है किसी को? भाई जो ए स्क्वायर वाला था उसमें अल्फा आ रहा होगा ना, आप ये वाला यूज कर लेना, ठीक है, क्योंकि आपको अल्फा पता है ना, आप ये वाला यूज करना। अब इसमें होगा क्या, ए स्क्वायर आपको पता होगा सवाल में, ये हो जाएगा 70 का स्क्वायर, बी आपको पता है ये हो जाएगा 34 का स्क्वायर, सी स्क्वायर -2 BC, डी यहाँ पे क्या है 34, सी आपको नहीं पता, रहने दो, कॉस अल्फा क्या है कॉस 70 आएगी। अब देखना होगा क्या यहाँ पे, 34 का स्क्वायर इधर ले जाना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे कोई ना कोई नंबर आ रहा होगा, मतलब 70 का स्क्वायर -34 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या मौजूद है, एक तो सी स्क्वायर मौजूद है, ठीक है, -2 को मल्टीप्लाई करोगे 34 से, ये हो जाएगा -68, -68 को आप मल्टीप्लाई करोगे कॉस 79 से, मैं लिख रहा हूँ -68 को मल्टीप्लाई करना है कॉस 79 से, तो ये चीज तो आप कैलकुलेटर में निकाल सकते हो, पीछे क्या बचेगा सी, ठीक है, ये चीज कोई आपके पास फिक्स नंबर आ रहा होगा। अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, सबसे पहले सी स्क्वायर, फिर अगर आप देखो तो आपके पास एक टर्म है जिसमें आ रहा है सी, और फिर आपके पास टर्म आएगी, इसको जब सॉल्व करोगे यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी कुछ भी आपके पास आ रही होगी, तो ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे एक सी स्क्वायर की टर्म है, एक सी की टर्म है, और एक जो कॉन्स्टेंट है ना यहाँ आके नेगेटिव हो जाएगा, एक कॉन्स्टेंट की टर्म होगी, तो कहने का मतलब ये चीज आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो, कोई आपको नहीं कहेगा आपने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है, आप यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला सॉरी डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, कैलकुलेटर में बहुत अच्छा फीचर है, पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेटर में पुट आपको क्या करना है, इसका कोएफिशिएंट जो कि 1 है, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा -68 cos 79, जो भी आपने वैल्यू निकाली होगी, और ये कांस्टेंट आप कैलकुलेटर में पुट करोगे। अगर किसी बच्चे को कैलकुलेटर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती, मैंने ये अपलोड किया हुआ यूट्यूब पर भी, आप लोग देख सकते हो कि कैलकुलेटर से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो डायरेक्ट ये चीज कैलकुलेटर में डालोगे कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा। अब कैलकुलेटर में दो आंसर आएंगे, एक भी आ सकता है लेकिन दो आंसर ज्यादातर आते हैं, तो आपने वो वाला आंसर चूज करना है जो पॉजिटिव है, क्योंकि सी नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, सी हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो जो पॉजिटिव वाला आंसर होगा वो आप यहाँ पे चूज कर लोगे, ठीक है, तो इस तरीके से आप लॉग कोसाइन यूज करोगे जब भी दो साइड और एक एंगल पता हो, अगर इंक्लूडेड वाला पता हो तो ये वाला प्रोसेस होता है, अगर इंक्लूडेड वाला ना हो तो तब भी आप लॉग कोसाइन यूज कर सकते हो। अब देखो पहली चीज में आपको मुश्किल लगेगी बात, लेकिन मतलब वही है कि मैथ जब सीख रहे हो तो आपको ये पता होनी चाहिए बातें, तो इस तरह इन स्टेप्स को अगर आप देखो तो आप आसानी से लॉग कोसाइन इस वाले केस पे यूज कर सकते हो। लॉग साइन में मसला होता था लेकिन इसमें मसला नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर आपको एक वैल्यू नेगेटिव देगा आप फॉरन इलिमिनेट कर दोगे उस वैल्यू को, आपको पता है सी नेगेटिव तो नहीं हो सकता, पर अगर आपको ये दो वैल्यूज दे रहा है तो मैं समझ जाना कि यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, लेकिन वो आप लोगों के लेवल पे उन्होंने दिया हुआ नहीं है ऐसा, वैसे ही बता रहा हूँ, अगर सी के दोनों पॉजिटिव आंसर आ रहे हैं इसका मतलब दो ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पे, तो लॉ ऑफ साइन में ये आसानी नहीं होती, उसमें आपको सोचना पड़ता है, लॉ ऑफ कोसाइन में सोचना नहीं पड़ता, या तो दो पॉजिटिव आंसर आ रहे हैं तो दो ट्राइंगल, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आया तो नेगेटिव को हटा दो पॉजिटिव वाला कंसिडर कर लो, ठीक है, और अगर इमेजिनरी आ रहा है फॉर एग्जाम्पल सी की वैल्यूज आयोटा आ रहा है तो समझ आना कोई भी ट्राइंगल नहीं बनना है यहाँ पे, क्योंकि सी इमेजनरी तो नहीं हो सकता ना, तो लॉ ऑफ कोसाइन काफी आसान होता है, उसके अंदर एम्बिगुअस केस में तो मसला ही नहीं है, हाँ लॉ ऑफ साइन यूज करोगे तो मसले आते हैं उसके अंदर, ठीक है, खैर ये वाला टॉपिक जो है मेरा कंप्लीट हो गया, कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लो। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर 3 फिलहाल टेंजेंट लॉ को छोड़ दो, वो कल हम देख लेंगे, अभी जो बाकी क्वेश्चन है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा हुआ है सॉल्व द ट्रायंगल बाय यूजिंग सूटेबल लॉज, आप अपनी तरफ से कोई भी लॉ यूज कर लो और सवाल को सॉल्व कर लो, पेपर में यही क्वेश्चन आता है, पेपर में नॉर्मली आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते कि साइन यूज करना है कोसाइन यूज करना है, तो इसी टाइप का सवाल आएगा, आपकी मर्जी आप कुछ भी यूज कर सकते हो,
तो बिल पर अब यहाँ पे ये वाला केस अभी तक नहीं आया था कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 में देखो, आपको तीनों साइड दी हुई है, तो अब आपने इस ट्रायंगल को कैसे सॉल्व करना है। 4 का पार्ट 1 आपको दिया हुआ है, ए 9 है, बी दिया हुआ है 7 है और सी दिया हुआ है 5। जब तीन साइड आपको पता हो, इसका मतलब अननोन क्या है यहाँ पे, तीनों एंगल्स अल्फा बीटा गैमा। तो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, इंस्ट्रक्शन दी थी कि जब तीन साइड गिवन हो या दो साइड एक एंगल गिवन हो, हमेशा लॉ ऑफ कोसाइन यूज करो, तभी आपको मसला ही नहीं होगा। आपके जहन में पहले से पता है यार, इन वाले केसेस में लॉ ऑफ कोसाइन ही यूज करना है। तो ये वाले मैंने बता दिए थे, दो साइड एक एंगल वाले, अब तीन साइड वाले भी देख लो। जब आपको तीन साइड गिवन होती है, इसका मतलब आपको तीन एंगल निकालना है। तीन एंगल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे इजी केस होता है। कैसे? आप लॉ ऑफ कोसाइन यूज करो कॉस अल्फा वाला, क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। आपको तीनों साइड पता है बच्चों, तीनों साइड आपको पता है, ए भी पता है, बी भी पता है, सी भी पता है। सब वैल्यूज पुट करोगे कैलकुलेटर में, सॉल्व कर लेना, कॉस अल्फा आ जाएगा, जो भी आंसर आ रहा होगा देख लेना। अब ये वैल्यूज पुट करना कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, आप लोग निकाल सकते हो। फिर आपने अल्फा निकालना होगा, आप क्या करना, कॉस इनवर्स ए एन एस। लो भाई आपका अल्फा आ गया, सबसे इजी केस होता है तीसरा वाला। अब आपको बीटा निकालना है, तो आप बीटा वाला लॉ ऑफ कोसाइन यूज कर लो। कॉस बीटा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। सब चीजें पता है आपको, अगेन कैलकुलेटर निकालना, सॉल्व करना, आपके पास कॉस बीटा आ जाएगा। बीटा निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे कॉस इनवर्स जो आंसर आएगा, तो यहां से आपके पास बीटा आ जाएगा। ये भी मसला है, तभी मैंने कहा था सिंपल केस है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट कोई मसला कुछ भी नहीं है, स्ट्रेट अवे आपने लॉ ऑफ कोसाइन यूज करना है। आप इसके बाद जब आपके पास अल्फा बीटा आ जाए, तो तीसरा एंगल कैसे निकालोगे, समझो चले सो रहे हो जागे हो। तीसरा एंगल कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो सम ऑफ एंगल्स इक्वल्स टू 180। ज्यादा है, तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है, तो आपको अल्फा पता है बीटा पता है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करना, यहाँ से आपके पास गैमा आ जाएगी। ठीक है, तो मैं एंड पे लिख देता हूँ कि गैमा क्या होगा, 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा। इस तरीके से आपके पास यहाँ पे गैमा भी आ जाएगा। तो सबसे इजी केस है, तीन साइड गिवन होंगी, आप अल्फा बीटा ये वाले फॉर्मूले यूज करोगे और एंड पे गैमा आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, उसमें आपको दो साइड एक एंगल। अब अगेन अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो ना, ये कौन सा वाला केस है, आपको बी ए गिवन और अल्फा गिवन है, ये वही था जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको करवाया। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट वही है जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है कि ए बी अल्फा गिवन है। तो आप जाके देख लेना मैंने क्या करवाया था, मैं आपको बाकी चीजें बता रहे, तो मैंने एक साइड निकालना आपको सिखाया था, तो बाकी कैसे निकालना था उसको 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, क्या गिवन है, बी गिवन है 35, ए गिवन है 37 और अल्फा गिवन है 23 डिग्री 25 मिनट। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रिमेनिंग क्या है, आपको सी निकालना है, आपको बीटा निकालना है, आपको गैमा निकालना है। अगेन दो साइड एक एंगल है, कोई आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, लॉ ऑफ साइन यूज मत करो। मुझे नहीं पता, शायद ये एम्बिगुअस वाला केस हो, मैंने अभी सॉल्व नहीं किया, मैं सॉल्व करूंगा तो पता चलेगा एक्चुअल क्या बन रहा है यहाँ पे। तो मैं रिकमेंड करूंगा ना यूज करो, आप लोगों को शायद ये मुश्किल लग रहा हो के साथ सर हमें क्यों फंसा रहे हैं अभी, लेकिन ये आप लोगों के आसानी के लिए मैं बता रहा हूँ, बाद में सर पकड़ के बैठ जाओगे पेपर में गलत आंसर आ गया, बोलोगे सर ये कैसे हो गया, हमने तो एग्जैक्ट वही लॉ यूज किया था। तो अभी मान लो मेरी बात, आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं दी, मसले आते हैं पुरानी बुक में, ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें मसले थे, मे बी इसमें लॉ ऑफ साइन आप यूज करो तो मसला हो, मैंने अभी चेक नहीं किया, लेकिन बेहतर है इस मसलों में क्यों पढ़ रहे हो, लॉ ऑफ कोसाइन यूज करो। दिखने में थोड़ा मुश्किल लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, लेकिन आपका मसला हल हो जाएगा, आपको कोई आंसर में कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकती। सही है, तो आप वही वाला यूज करना। अब देखो लॉ ऑफ जो कोसाइन सी आपको निकालना है ना, तो सी वाले लॉ ऑफ कोसाइन में गैमा आता था जो कि सवाल में गिवन नहीं है, तो अगेन वही ये वाला केस था जब इंक्लूडेड एंगल ने गिवन या अपोजिट एंगल गिवन है, कोई मसला नहीं। मैंने क्या बताया था, जिस लॉ ऑफ कोसाइन में अल्फा आता है वो वाला आप यूज करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या क्या पता है, आपको ए पता है 37 का स्क्वायर, आपको बी पता है, आपको सी नहीं पता, इसी तरह बी पता है 35, सी नहीं पता, अल्फा पता है 23 डिग्री 25 मिनट। ये काम कर दो, मैं खुद सॉल्व करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया भी हो जाए।
सॉल्व कैसे करना है। एक काम करो, 37 के स्क्वायर को हम इधर ही ले आएंगे ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। सी स्क्वायर को अपनी जगह पे लिख दो। ये क्या होगा, -2 को जब आप 35 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, -70। -70 को आपने मल्टीप्लाई करना है cos 23 डिग्री 25 मिनट। फिर ये सी लिखो और इस वाली चीज को इधर ले आओ। तो 35 का स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद था, ये वाली टर्म इधर आके क्या हो जाएगी, -37 का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करता हूँ। सबसे पहले तो 70 को मल्टीप्लाई करता हूँ cos 23 डिग्री 25 मिनट। डिग्री में है कैलकुलेटर मेरा, ये चेक कर लेना जरूर। तो आंसर मेरे पास आ रहा है राउंड ऑफ करने के बाद 64.23, और फिर मैं सी लिखूंगा। इसको जरा सॉल्व करते हैं, बड़ा इजी है। 35 का स्क्वायर -37 का स्क्वायर, आंसर मेरे पास आ रहा है -144। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया। कोई जरूरत नहीं यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने की, सिंपल आप लिख सकते हो बाय यूजिंग कैलकुलेटर। क्योंकि ये कोई सवाल अलजबरा का सवाल नहीं है कि आपको चेक कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है या नहीं आता। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर यहाँ पे यूज करो। अब कैलकुलेटर में मैंने वही बताया कि मॉडल डिफरेंट होते हैं, वो यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, मैंने वहां पे समझाया था। आप अपने कैलकुलेटर के हिसाब में देख लेना, अगर ना समझ आए कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है तो पूछना, मैं बता दूंगा। अच्छा, मेरे कैलकुलेटर में सबसे पहले ए दबाना है, 2 पे पॉलिनोमियल डिग्री 2 है। तो आप कैलकुलेटर में पुट करोगे इनके कोफिशिएंट। सी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, सी का कोफिशिएंट क्या है, -64.23, और कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, -144। कैलकुलेटर में जैसे पुट करोगे कैलकुलेटर आपको आंसर दे रहा है 66 राउंड ऑफ करने के बाद 40। एक ही आंसर दे रहा है, दूसरा आंसर मुझे ये दे रहा है -2.16। भाई सी जो है वो ट्राइंगल की लेंथ है साइड की, नेगेटिव कैसे हो सकती है, नेगेटिव वाली को हटा दो। तो ये इतना मुश्किल भी केस नहीं है, आपके पास आसानी से सी आ जाए। जब सी आ जाए ना, झगड़े सारे खत्म। कितना इजी लॉ है, आपको मुसीबत से बचा लेता है, आप लोगों को असल में मुसीबत नजर नहीं आई, तो ये आपकी बहुत मुसीबतें कम कर रहा है। कितने टीचर इसी से करवाते हैं, लेकिन मैं भी इसी से करवाता, मैं आपको इतने मसलों में ना करता, लेकिन पहले सवाल में मैंने बोल देता कि लॉ ऑफ साइन यूज करो, तो उस वाले के लिए मुझे बताना पड़ा है। वरना अगर ये रिस्ट्रिक्शन ना होती ना, जल्द बोलते हैं सॉल्व करो, मैं आपको दूसरा तरीका ही बताता। मैं कहता यार यही एक तरीका है इसका, ताकि कंफ्यूज ना होते। लेकिन अब खैर सवाल दे दिया था तो मेरी मजबूरी थी बताना। सी जैसी निकाल लो ना, अब बीटा गामा बचा है, कोई मसला नहीं है। बीटा गामा ये वाला यूज करो, बीटा आ जाएगा। यूज करना कॉस बीटा क्या होता है, क्योंकि तीनों साइड आ गई ना, सी और बी, ए तो आपको ऑलरेडी पता था। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -b² / 2ac, यहां से बच्चों सॉल्व करना, बीटा आ जाएगा। और वंस आपके पास बीटा आ जाए, गैमा निकालने के लिए अगेन वही क्या करोगे, गैमा होगा 180 -α - β। तो इस तरीके से दो साइड एक एंगल गिवन हो या तीन साइड गिवन हो, आप लॉ ऑफ कोसाइन यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 की पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अहमियत नहीं है। पेपर में सवाल आएगा तो आपको यही बोला जाएगा कि ट्राइंगल को सॉल्व करो। बहुत ज्यादा हो गया तो शायद आपको बोल देंगे लॉ ऑफ साइन से कर लो या लॉ ऑफ कोसाइन से। टेंजेंट से तो बोल ही नहीं सकते आपको, तो ये बस प्रैक्टिस के लिए समझ लो, इतनी खास वैल्यू नहीं है लॉ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, सवाल है, एक सवाल करवाता हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए, फिर हम आगे मूव कर जाएंगे। तो डेटा जरा देख लो क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 ही ट्राई करते हैं। आपको ए गिवन है 432 एक साइड, आपको सी गिवन है यहाँ पे दूसरी साइड 325। अच्छा जी, और आपको बच्चों एक एंगल गिवन है जो कि है 42 डिग्री। अगर आप देखो तो ये कौन सा वाला केस है, दो साइड एक एंगल, और अगर आप देखो यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल गिवन है। ठीक है, ये जो टेंजेंट लॉ है ना, ये बेस्ट होता है उस वक्त जब आपके पास दो साइड और इंक्लूडेड एंगल गिवन हो, तभी आप इसको सही तरह यूज कर सकते हो। बाकी केसेस में कभी यूज ही नहीं हो सकता सही तरीके से, कभी आपके पास बहुत मुश्किल सिचुएशन आ जाएगी, मुश्किल इक्वेशंस आ जाएंगी, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद जाके शायद आपका फायदा हो जाए। दैट्स राउंड केसेस में हम टेंजेंट को तो लिफ्ट ही नहीं करवाते, हम साइन कॉस से मामला अपना हल कर लेते हैं। ये वो एक वाहिद केस है जिसमें लॉ ऑफ टेंजेंट आप कर सकते हो अप्लाई, आंसर भी आ जाएगा। इवन ये भी मुश्किल है, अभी आप इसका सॉल्यूशन देखोगे ना, इसमें भी आपको लगेगा यार क्यों इतनी लंबी कर रहे हैं। तो बेहतर हम साइन कॉस ही यूज करते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है तो चलो लॉ ऑफ टेंजेंट से यूज करके देख लेते हैं। तो दो साइड एक एंगल गिवन है और आपको रिमेनिंग निकालनी है। रिमेनिंग का मतलब आपको यहाँ पे बी निकालना है तीसरी साइड, और एंगल गिवन है अल्फा, बीटा गिवन है, तो उसका मतलब अल्फा निकालना है, गामा निकालना है। ये तीन चीजें आपको निकालनी है। यूज करते हैं लॉ ऑफ टेंजेंट। कौन सा वाला लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करोगे, तीन मैंने आप लोगों को करवाए हैं। आपने वो वाला लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करना है जिसमें आपको जो दो साइड गिवन है ना वो आता हो, मतलब ए और सी। ऐसा टेंजेंट लॉ आप कंसीडर करो जिसमें ए और सी आता है। ठीक
ठीक है कर लेते हैं हम कंसीडर, वो ये वाला है कि अल्फा माइनस गैमा अपॉन टू अपॉन टेंजेंट अल्फा प्लस गैमा अपॉन टू, और इधर आएगा ए माइनस सी अपॉन ए प्लस सी। तो मैंने वो वाला लॉ ऑफ टेंजेंट यूज किया जो दो साइड मुझे पता है, मुझे सवाल में ए और सी पता था तो मैंने वही वाला लॉ ऑफ टेंजेंट जो है वो यूज किया। अब आपने क्या करना है इसके अंदर, अब आपने वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज हम नोट करेंगे, लॉ ऑफ टेंजेंट आपने यूज करना है, लेकिन इससे पहले एक वर्किंग कर लेना, वो इससे पहले ही कर लेना हो ठीक है। तो वर्किंग क्या होगी कि सिंस आपको बीटा पता है ना, आप एक काम करो आप लिखो कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, आपको बीटा पता है तो अल्फा और गैमा को उधर रहने दो, बीटा को आप उधर ले जाओ। बीटा क्या है यहाँ पे 42 डिग्री, 180 में से जब आप 42 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आई गेस 138 आएगा, चेक कर लेना। इस वाली इक्वेशन को आप 1 बोल दो ठीक है। ये इक्वेशन जाहिर सी बात है आपको फाइनल आंसर नहीं दे रही क्योंकि यहाँ पे दो अननोन है अल्फा और गैमा, तो एक इक्वेशन से आप दो की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, तो उसको फिलहाल हम 1 बोल देंगे और दूसरी इक्वेशन हम यहां से बनाएंगे। तो आप देखना दूसरी इक्वेशन कैसे बन रही होगी। तो ये आपने पहले वर्किंग कर ली, उसके बाद आपने लॉ ऑफ टेंजेंट कंसीडर किया, अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दो। कैसे, जो न्यूमरेटर है वो तो एज इट इज रहेगा, ना आपको अल्फा पता है ना आपको गैमा पता है, ऐसे ही रहना था। डिनोमिनेटर में अगर आप ऑब्जर्व करो आपको अल्फा प्लस गैमा पता है, अल्फा प्लस गैमा क्या है 138 डिग्री, तो यहाँ अल्फा प्लस गैमा की जगह आप क्या लिख सकते हो 138 डिग्री अपॉन टू, ये चीज तो आपको पता चल गई। उसके बाद राइटिंग साइड पे आ जाओ, ए आपको पता है 432, सी आपको पता है 325, तो बच्चों आंसर आ रहा है, पॉइंट में लिख देते हैं, चलो आंसर आ रहा है 0.14, राउंड ऑफ करने के बाद ये आंसर आ रहा है ठीक है। ये आपका राइट हैंड साइड है, आप क्या करो इस चीज को जाके मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये जो नीचे वाली टर्म थी ना यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, ये क्या है 138 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 69 आता है ना, 138 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा टेंजेंट 69 डिग्री, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बच जाएगा टेंजेंट अल्फा माइनस गैमा अपॉन 2, ये सिचुएशन आपके पास कुछ आ रही होगी। नेक्स्ट में क्या करोगे आप इनको मल्टीप्लाई करो आपस में, 69 डिग्री कैलकुलेटर आपका डिग्री के अंदर होना चाहिए क्योंकि आप एंगल डिग्री में पुट कर रहे हो, और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा 0.36, राउंड ऑफ करने के बाद ये आ रहा होगा। अब ये सिचुएशन मौजूद थी ना लेफ्ट हैंड साइड पे, आपको क्या करना है आपको यहां से अल्फा माइनस गैमा की इक्वेशन निकालनी है, तो आप टेंजेंट को उधर ले जाओगे, टेंजेंट उधर जाके क्या हो जाएगा इनवर्स, आपने कैलकुलेटर में डायरेक्ट पता क्या लिखना है, आपने कैलकुलेटर में शिफ्ट दबाना है, टेंजेंट इनवर्स करना है, जो आंसर आया होगा वो आपके ए एन एक्स के बटन में सेव होगा, तो आप डायरेक्टली क्लिक करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 20.169 राउंड ऑफ करने के बाद, इस सिचुएशन में आप लोग पहुंच जाओगे ठीक है। उसके बाद आप क्या करो इस 2 को जाके मल्टीप्लाई करवा दो, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये अल्फा माइनस गैमा किसके बराबर आ जाएगा, अल्फा माइनस गैमा हो जाएगा 40.34, इसको आप बोल दोगे इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 1 आपने ऑलरेडी सवाल में निकाली हुई थी, इक्वेशन 2 आपने निकाल ली। अब आपने क्या करना है बच्चों, सिंपल इन दो इक्वेशन को ऐड करोगे गैमा कैंसिल हो जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूं अब देखो ये काम लॉ ऑफ साइन कोसाइन से कितना इजी था, टेंजेंट में लंबी करनी पड़ रही है आपको, लेकिन खैर अगर बुक वालों ने बोला हुआ तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं। आप यहां पे क्या करो इक्वेशन 1 और 2 को आपस में क्या कर दो ऐड कर दो, आपको शो करने की जरूरत नहीं है, आप वैसे भी सामने आपके लिखे होंगे, 1 और 2 को ऐड करोगे गैमा और माइनस गैमा ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना, अल्फा और अल्फा क्या होता है बराबर, 138 को जब आप ऐड करोगे इसमें तो आंसर आ जाएगा 178.34, आपको अल्फा चाहिए आप 2 से डिवाइड कर दो और फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा 89.17 डिग्री। ये लो बच्चों आपके पास अल्फा आ गया, तो जो आपको एक अननोन निकालना था ना वो तो आ गया, अल्फा आपके पास आ गया, जैसे ही आपके पास अल्फा आएगा वहां से आपके पास गैमा भी आ सकता है, या तो आप अल्फा यहाँ पुट कर दो या यहाँ पुट कर दो और आप गैमा निकाल सकते हो। तो कंसीडर कर लो मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, इक्वेशन 1 में यहाँ पे अल्फा आ जाएगा 89.17 प्लस गैमा इक्वल टू 138, गैमा निकालने के लिए क्या करो इसको जाके सब्ट्रैक्ट करवा दो, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करवाओगे 138 से तो आंसर आ जाएगा 48.83, ये आपके पास बच्चों गैमा भी आ गया। तो आपने जो 3 अननोन निकाले थे उसमें से 2 आ गए, अल्फा भी आ गया गैमा भी आ गया, मतलब ये सिचुएशन आपकी पूरी हो गई है। कोई सवाल यहां तक? अच्छा मजे की बात ये है कि जब सवाल में लिखा आता है, पहले वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि लॉ ऑफ साइन से निकालो, तो आपने हर अननोन निकाला है लॉ ऑफ साइन से,
क्वेश्चन नंबर टू में बोला हुआ था लॉ ऑफ कोसाइन यूज करो, आपने हर अननोन जो है लॉ ऑफ कोसाइन से यूज किया, या फिर आपने ये वाली चीज यूज कर ली है, मतलब एक ही लॉ यूज किया या उसके साथ आपने ये चीज यूज कर लिया। लेकिन बुक में एग्जाम्पल डिस्कस है, वहां पे उन्होंने लॉ ऑफ टेंजेंट यूज किया है आधे सवाल के ऊपर, उसके बाद जो साइड बी है ना ये उन्होंने लॉ ऑफ साइन से निकाली ली है, और टीचर्स भी इस तरह करवा रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना मासूमाना सवाल ये कि भाई सवाल में जब लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ टेंजेंट से ही निकालो, तो इसके बाद फिर हम लॉ ऑफ साइन क्यों यूज कर रहे हैं? बुक वालों ने भी यूज किया हुआ है, गाइड में भी टीचर्स ने करवाया हुआ है, तो जब पूरे सवाल को लॉ ऑफ टेंजेंट से करना है तो फिर पूरे सवाल को करो। ये क्या बात है कि आधा सवाल लॉ ऑफ टेंजेंट से आधा सवाल लॉ ऑफ साइन से, ठीक है? तो इस स्टेज के बाद अगर आपको बी निकालना है तो ये भी आपका लॉ ऑफ टेंजेंट से ही आपको निकालना है, और ये आ जाएगा, ठीक है? कैसे आएगा? आप सिंपल ऐसा लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करो जिसके अंदर बी आता है, ठीक है? क्योंकि एंगल तो आपको सब पता चल गए, वो तो मसला नहीं है आपके पास, दोनों साइड भी आपके पास आ गई, मतलब पांच चीजें आपके पास आ गई है यहाँ पे, दो साइड और तीनों एंगल। तो आप कोई भी लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करो जिसमें बी आता है ना, आप आसानी से निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा बेसिक सा लॉ ऑफ टेंजेंट के अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू, ये बराबर हो जाएगा ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी के, ठीक है? आप देखो इस इक्वेशन में आपको हर चीज पता है, आपको अल्फा पता है, आपको बीटा पता है यहाँ पे, आपको ए पता है यहाँ पे, और बी आपका आसानी से आ जाएगा, ठीक है? मैं जरा पुट करके दिखा देता हूँ बाद में आप लोग, या चलो सॉल्व भी करवा दूंगा, कोई इशू नहीं। तो आप जरा पुट कर दो यहाँ पे, अल्फा क्या है 89.17 माइनस बीटा, बीटा यहाँ पे क्या है 48.83 डिवाइडेड बाय 2, सेम नीचे भी ऐसी करना है 89.17 प्लस 48.83 डिवाइडेड बाय 2, ये तो सॉल्व हो गया। राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी, ए की वैल्यू आपको पता है, ए है 432 माइनस बी, नीचे भी क्या हो जाएगा 432 प्लस बी। देख लो आप इसको कैसे मैंने पुट किया है, कुछ सवाल है पूछ लो, इतनी देर में सॉल्व कर लेता इसको, गौर से देख लो। 42 है किधर है 42, बीटा बीटा 42 है। अच्छा मैंने क्या लिखा है, अच्छा मैंने वो गैमा लिख दिया था, सॉरी, ये अच्छा बता दिया ना, आंसर हमारा गलत हो जाएगा। अच्छा जी चलो भाई, टेंजेंट फ्रैक्शन आएगी, अच्छा अल्फा क्या है 89.17 माइनस बीटा 42 डिवाइडेड बाय 2, अच्छा नीचे भी टेंजेंट है 89.17 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 2। इस पूरी चीज को लेफ्ट हैंड साइड जो आपके पास लिखी हुई है इसको मैंने कैलकुलेट किया और मेरे पास आंसर आ रहा है 0.198, ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। और राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है 432 माइनस बी अपॉन 432 प्लस बी। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, 432 प्लस बी को आप 0.198 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.198 को जब आप बी से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.198 बी आ जाएगा, ठीक है? और 0.198 को जब आप 432 से करोगे, मतलब ये चीज इधर आ जाएगी ना, 0.198 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 432 से तो आंसर आपके पास आएगा 432 ही आ रहा है, कैसे 432 को मल्टीप्लाई किया 0.198 से तो आंसर आ रहा है 85.54, ठीक है? और राइट हैंड साइड पे ऊपर क्या मौजूद है 432 माइनस बी। गौर से देखो कैलकुलेशन में किसी को मसला हो सकता है, इतनी मुश्किल नहीं है, इन दोनों टर्म को आके यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और ये जो आपकी ऊपर न्यूमरेटर लिखा हुआ है वो अपनी जगह पे, ठीक है? अगर आप देखो आपकी इक्वेशन में एक ही अननोन है वो है बी, बी आप आसानी से मालूम कर सकते हो, ये बी की एक टर्म है ना, ये जो माइनस बी है आप इसको इधर ले आओ, तो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है 0.198 बी और ये माइनस बी इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये जो 85.54 है उसको इधर ले जाओ, वहां पे ऑलरेडी मौजूद था 432, ये उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये सिचुएशन बनेगी। तो इन दोनों को आपस में ऐड करो, ये हो जाएगा 1.198 बी, और यहाँ पे जरा हम देख लेते क्या आंसर आ रहा है, माइनस 432 यहाँ पे आंसर आ रहा है 346.46। अब आप डिवाइड कर दो सिंपल 1.198 को डिवाइड बाय 1.198, तो फाइनल बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा बी की वैल्यू वो है 289.20, ये आपका तीसरा अननोन आ गया। अभी तरीका बहुत घटिया है, मैं कभी भी नहीं कहूंगा लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करो, नहीं तो सवाल में लिखा हुआ है लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करो तो फिर प्रॉपर तरीके से करो ना, हर चीज लॉ ऑफ टेंजेंट से है, ये थोड़ा ना आधे, आप देखो जाके बुक की एग्जाम्पल में डिस्कस में बताता हूँ पेज नंबर कौन सा। लेकिन अच्छी बात है कि बुक की एग्जाम्पल में ना सवाल में लिखा हुआ नहीं था कि लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करना है, एग्जाम्पल नंबर टू पेज नंबर 324 पे लिखा हुआ है कि आप ट्राइंगल को सॉल्व करो,
उन्होंने अपनी पसंद से लॉ ऑफ टेंजेंट यूज किया, बाद में लॉ ऑफ साइन यूज किया, लेकिन जो बुक है उसमें तो मेंशन किया हुआ है कि सॉल्व बाय यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट। तो अगर पेपर में विल्फर्स आ गया तो ये प्रॉपर सॉल्यूशन है कि आपने हर चीज लॉ ऑफ टेंजेंट से निकाली, कोई लॉ मैंने यहाँ पे और यूज नहीं किया। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपने लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइन सिर्फ यूज किया था, बाकी कोई यूज नहीं किया था।